ओम शांति आज की तारीख है 25 नौ 2022 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 24 नौ उन्नीस की आज बाप दादा बच्चों से सत्य और असत्य का विशेष अंतर समझा रहे हैं बाबा आज बच्चों को सत्य और असत्य का विशेष अंतर समझा रहे हैं आज दिला राम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूरी करने के लिए मिलन मनाने आए हैं आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आशा को पूरा करने के लिए मिलन मनाने आए हैं अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आशा रखते हैं इसीलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं मन से मधुबन में हैं आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं बाबा कहते हैं आप तो साकार में हो और बहुत से बच्चे मन से मधुबन जाते हैं जब बाबा का मिलन होता है ना तो बहुत सारे बच्चे मन से मधुबन जो बच्चे बाहर भी हैं मधुबन में नहीं पहुंच पाते हर बार टर्न होता है कि इस बार इस इस स्टेट के बच्चे जाएंगे उस बार उस स्टेट के बच्चे जाएंगे तो बाबा कहते हैं बच्चे मन से मधुबन पहुंच जाते हैं आप सरकार में हो अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहाँ भी हैं सारे बच्चे लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में हैं बाबा कहते कहाँ पर भी बच्चे हों लेकिन याद के द्वारा बाबा के दिल में हैं सबके के स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं और बाप को भी सिवाय बच्चों के कोई और है नहीं सदा इसी स्मृति इस में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा सदा इस स्मृति में रहते हैं मैं बाबा का और बाबा मेरा यही स्मृति सहज भी है समर्थ बनाने वाली है ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता बाबा कहते हैं ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है एक मेरा बाबा ये है मिलन मनाना अगर एक के बजाय दो हुआ मेरा हुआ तो क्या हो जाता है वह है मिलना और वह है झमेला बाबा कहते हैं एक बाबा और ये है मिलन मनाना एक मेरा बाबा लेकिन अगर एक के बाद अलावा दो हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं क्या होता है ये है मिलन मलाना और वो है झमेला कई समझ बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है कहते हैं और कोई नहीं सिर्फ एक आधार चाहिए लेकिन वायदा क्या है एक बाप दूसरा न कोई या एक बाप एक और अब बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं बाबा तो हमारा है ही बाबा को तो हम बहुत मानते हैं लेकिन कोई आधार चाहिए माना कि कोई बाबा का ज्ञान सुनाने वाला ऐसा चाहिए एक आधार चाहिए आधार तो ज़रूर चाहिए तो बाबा कहते हैं वायदा क्या किया था उस आधार पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं फिर बाबा को भूल के उसी आधार को याद करने लगते हैं तो ये तो आधार है ये तो बाबा ने उसको निमित्त बनाया है आपको ज्ञान सुनाने के लेकिन याद किसको करना है उसको नहीं जो आपको बाबा का ज्ञान सुना रहा है किसको करना है ज्ञान किसका सुना रहा है बाबा का तो बाबा यहाँ पर यही समझाते हैं बाबा कहते हैं वायदा तुम बच्चों ने क्या किया था एक बाप दूसरा ना कोई या फिर बाप एक और भोले बन जाते हो उस एक में अनेक समाए हुए होते हैं इसीलिए झमेला हो जाता है उस एक में अनेक समय होते हैं इसीलिए झमेला हो जाता है इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है लेकिन एक में एक होता है एक खोलते जाओ दूसरा निकलेगा दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा ये भी ऐसा ही खिलौना है दिखाई एक देता है लेकिन अंदर समाए हुए अनोख हैं दिखाई तो एक देता है कि बाबा को मानते हैं लेकिन अंदर में समाये हुए अनेक हैं और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन बनाएंगे सिर्फ़ दो नहीं सोचो सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है बाबा कहते हैं सिवाय एक बाप के संकल्प में भी कोई संकल्प ने भी अगर कोई आत्मा किसी भी और को या प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है यही बाबा सत्य और असत्य का विशेष अंतर बच्चों को समझा रहे हैं कि भल आप किसी से ज्ञान सुन रहे हो लेकिन बाबा कहते दूसरे को सहारा नहीं बनाना एक सेकंड के लिए भी बाबा ने कान को किसी को सहारा बनाया उसी सेकंड मन बुद्धि बाप से किनारा हो जाता है बाबा से हट जाती क्योंकि सहारा आपने किसको बना दिया जिसको बाबा ने निमित्त बनाया उसको सहारा बना दिया तो मन बुद्धि हट बाबा से उस सहारे पर टिक जाती है सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि को असत्य को सत्य रॉन्ग को राइट right मानने लगती है जब सच सच बाबा से किनारा हो जाता है तो बुद्धि सत्य असत्य को सत्य और रॉन्ग को राइट right मानने लगती है उल्टी जजमेंट देने लगती है बुद्धि भी उल्टी जजमेंट देने लगती है बुद्धि का काम है निर्णय लेना लेकिन जब आप ऐसा करने लगते हो तो बाबा कहते हैं बुद्धि भी उल्टा जजमेंट देने लगती है कितना भी कोई समझाएगा कि ये राइट नहीं है ये सही नहीं है लेकिन वह यथार्थ को सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा सत्य को बाबा कहते कितना भी कोई समझाए कि ये चीज़ गलत है यह सही नहीं है लेकिन वह यथार्थ को माना सच को असत्य की शक्ति से समझाने वाले को भी कह देगा कि आप रॉन्ग हैं उसको रॉन्ग सिद्ध कर देगा गलत सिद्ध कर देगा यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज है असत्य के राज अधिकारी प्रेसिडेंट रावण हैं उसके कितने शीश हैं अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है? उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं उसके मंत्री और महामंत्री भी बड़े महान हैं उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं इसीलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देती है इसीलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है असत्य की जीत थोड़े समय की होती है अल्पकाल की होती है क्योंकि असत्य का राज ही थोड़े समय का होता है सत्यता की हर हर हार अल्पकाल की है और जीत सदाकाल की है हो सकता है सत्य थोड़ी देर के लिए हार जाए लेकिन जीत तो सदाकाल की है असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय बहुत खुश होते हैं जब असत्य पे चलते हैं तो बाबा कहते हैं थोड़े समय के लिए अगर वो विजयी हो जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं जितना थोड़ा समय खुशी मनाते हैं अपने को राइट सिद्ध करते हैं तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के बश मौज मनाई उतना ही सौ गुणा सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना पड़ता है बाबा कहते हैं जो लोग असत्यता के असत्य पे चलकर थोड़े समय के लिए जब समय समाप्त होता है असत्य का तो जितनी भी असत्यता के वजह से जितनी भी गलत काम करके बश मौज मनाई उन्होंने तो उतना ही सौ गुना सत्यता जब सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होती है जब सच साबित हो जाता है तब उन्हें बहुत पश्चाताप करना पड़ता है क्योंकि उस समय तक उन्होंने बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं लेकिन ऐसा असत्य करते करते मन और बुद्धि से बाबा से किनारा हो जाता है और बाप से किनारा होना अर्थात तो सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना कई बच्चे समझते हैं असत्य के बल से असत्य के राज में विजय की खुशी बा मौज इस समय तो मना ही लें भविष्य किसने देखा है कौन देखेगा हम भी भूल जाएंगे सब भूल जाएंगे लेकिन ये असत्य की जजमेंट है भविष्य वर्तमान की परछाई है बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता असत्य के बशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है लेकिन इंद्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं लेकिन सर्व आत्माओं के दिल का स्नेह दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते दिखावा मात्र मान पान पा सकते हैं दिखावे के लिए मात्र मान पा सकते हैं लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते दिल से मान नहीं पा सकते अल्पकाल का शान मिलता है थोड़े समय के लिए शान भी मिल जाती है लेकिन बाबा से सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन बाप दादा के दिल के नाम नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि बाबा से किनारा कर लिया असत्य को चुनकर बाबा से किनारा कर लिया नाम मान शान में डूब गए तो फिर बाबा से किनारा हो गया तो बाबा के दिल पर कहाँ नाम प्राप्त कर सकते हैं बाबा कहते हैं भविष्य की बात तो छोड़ो वह तो अंडरस्टूड है उसको तो समझा समझा जा सकता है लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है एक दूसरा मेरा बनाया था तो असत्य को सहारा बना लिया कितना झमेला हुआ कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए लेकिन वायदा तोड़ना अर्थार्थ झमेले में पड़ना क्या ऐसा वायदा किया था बाबा कहते ऐसा वायदा किया था एक मेरा बाबा कभी कभी दूसरा कभी ऐसा वायदा किया था कि एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी दूसरा भी अलाउड है बाबा बच्चों से पूछते हैं क्या दूसरा भी अलाउड है ये लिखा था क्या चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो चाहे व्यक्ति का लो चाहे वैभव का लो अब बाबा यहाँ पे सहारा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं कह रहे हैं इमाना माना आपने थोड़े समय के लिए किसी व्यक्ति का सहारा ले लिया बाबा कहते हैं यहाँ सहारा किसी चीज़ का भी हो सकता है आपने बाबा को छोड़ के किसी दूसरी चीज़ का सहारा अब चाहे नाम मान शान का सहारा हो या किसी व्यक्ति का हो या फिर बैवब का हो जब दूसरा न कोई फिर दूसरा कहाँ से आया ये असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयाँ हैं जैसे बाबा कहते हैं ना मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे मुझे नंबर वार जानते हैं ऐसे ही सत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो भी है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हो कभी भूल जाते हो कभी जानते हो राज अधिकारी हैं तो ये ताकत भी कम होगी चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो लेकिन राज तो है ना इसीलिए अपने को चेक करो दूसरे को नहीं इसीलिए अपने को चेक करो किसी दूसरे का सहारा तो नहीं ले रहे किसी दूसरे साधन पर तो नहीं डिपेंड है तो बाबा कहते ये अपने को चेक करो आज कल दूसरों को चेक करने में सब बहुत होशियार हो गए हैं बाबा कहते हैं अपने चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो अपने चैकर बनो अपने आप को चेक करो अपने आप की जांच करो लेकिन करते क्या हो दूसरे का तो जांच करते हो दूसरों के चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो बाप दादा रोज़ की, 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 रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियाँ सुनते हैं बाबा बच्चों की रोज़ की हर एक बच्चे की कहानियाँ सुनते हैं बहुत बड़ी किताब है कहानियों की तो अपने को चेक करो दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं अपने को चेक करोगे तो सब कथाएं समाप्त हो एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है सिर्फ कहते हो या करते भी हो बाबा कहते हैं सभी कहते हैं बच्चे बाबा आपसे बहुत प्यार है तो बाबा कहते सिर्फ कहते हो या करते भी हो क्या कहेंगे कभी कहते हो कभी करते हो बाबा के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया बाबा से जिन बच्चों को प्यार है बाबा कहते हैं उसका प्रत्यक्ष स्वरूप बाप ने दे दिया जो हो जैसे हो मेरे हो लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है बाबा ने तो सबूत दे दिया लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है क्या सबूत देना है बाप कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो और आप क्या कहेंगे आप बच्चे क्या कहेंगे जो हैं बस सब आप हो ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा और भी है बाप से प्यार है लेकिन कभी कभी असत्य के राज के प्रभाव में आ जाते हैं बाबा से प्यार है लेकिन कभी कभी असत्य के राज के प्रभाव में भी आ जाते हैं बाबा कहते हैं चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को सर्व स्नेही में समाए हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सर्व याद और सेवा में निर्विघन रहने वाले सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते अब बाबा मधुबन निवासियों के प्रति बाबा मधुबन निवासियों से बात कर रहे हैं जो मधुबन में रहते हैं मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं मधुबन के निवासी हैं मधुबन में रहते हैं तो उनका कितना बड़ा भाग्य है तो बाबा कहते हैं मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल रहते हैं मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहीं नहीं मिलती श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं मधुवन की श्रेष्ठता तो ये है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है तो मधुवन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है तो कर्म में फॉलो हैं बाबा कहते हैं कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है तो कर्म में फॉलो है जो भी अमृत बेले सिर लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर हैं अब बाबा बच्चों से पूछते हैं अमृत वेले से जो भी रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर हो माना बाबा की श्रीमत शामिल है हर एक कर्म करने से पहले बाबा को याद करते हो बाबा को श्रीमत शामिल उस तो उस है उसमें तो बाबा पूछते हैं उसमें फॉलो फादर हैं स्वयं से क्वेश्चन करना है मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है मधुबन निवासियों को क्योंकि वो योग की भूमि है कर्म भूमि है तो वहाँ के वाइब्रेशन कितने स्ट्रॉन्ग हैं तो बाबा कहते हैं मधुबन निवासियों को तो और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है वह कर्म में दिखाई देता है या देना है क्या कहेंगे आप अपने में देखते हो एक एक कदम सामने लाओ उठना बैठना चलना बोलना संबंध संपर्क में आना सबसे ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है बाबा पूछते हैं उठना बैठना चलना फिरना एक एक कदम को सामने लाओ तो बाबा पूछते हैं ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है कर्म भूमि का फायदा तो यही है तो इतना लाभ ले रहे हो शक्तियाँ क्या समझती हैं शक्तियाँ बाबा किसको कहते हैं शक्तियाँ बाबा कुमारियों को कहते हैं तो बाबा कहते हैं शक्तियाँ क्या समझती हैं कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है और आपको मिला हुआ है जो और बाबा के बच्चे हैं वो कितनी दूर से मधुबन आते हैं तो बाबा कहते हैं जो कर्म भूमि का लाभ है वो और तो बहुत दूर दूर से लेने आते हैं लेकिन आपको तो मिला हुआ है कर्म भूमि का लाभ मिला हुआ है वरदान भूमि है कर्म भूमि है तो हर कर्म वरदान योग्य है जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना चाहे साधारण कर्म कर रहे हो लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे यही मधुवन की विशेषता है विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति ये विशेष श्रेष्ठ आश है कि मधुवन का एक एक ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो तो दर्पण में क्या दिखाई देता है मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में कैसा हो ब्रह्मा बाबा के समान हो ब्रह्मा बाप का दर्पण हो जैसे ब्रह्मा बाबा वैसे ही बच्चे हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है यही दिखाई देता है ना अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हो बहू आप ही दिखाई देंगे या कोई दूसरा दिखाई देगा बाबा पूछते हैं तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। भाग्यवान हो ये तो सदा सभी कहते भी हैं और हैं भी लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे ये सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे लेना तो है ना या ले लिया है बाबा कहते हैं हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे जैसे ब्रह्मा बाबा थे वैसे ही हम सब बच्चों में ब्रह्मा बाप के जैसे कर्म दिखाई दे तो बाबा कहते हैं ये भी तो सर्टिफिकेट लेना है ये कब लोगे या ले लिया है जिसने ये सर्टिफिकेट ले लिया है हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं उनका बोल ब्रह्मा का बोल समान उठना बैठना देखना चलना सब समान ब्रह्मा बाबा की तरह ऐसा सर्टिफिकेट लिया है ब्रह्मा बाबा की तरह बोल ब्रह्मा बाबा की तरह बोल समान उठना बैठना चलना सब ब्रह्मा बाबा की तरह जैसे ब्रह्मा बाबा रहते थे ना बिल्कुल फरिश्ता बन के लाइट बन के कितना कितना बाबा निरहंकारी था तो बाबा कहते हैं उनके जैसे उठना बैठना देखना चलना सब समान बाबा कहते हैं ऐसा सर्टिफिकेट लिया है जिसको लेना है वो हाथ उठाए अब जिसको बाबा के जैसा ब्रह्मा बाबा के जैसा बनना है जैसे बाबा थे तो बाबा कहते हैं वो हाथ उठाए उसका सर्टिफिकेट लेना है ये भी अच्छा है कितने लोगों ने हाथ उठाया कितने सारे लोग हाथ उठाते हैं तो बाबा कहते हैं ये भी अच्छा है कहने से पहले करके दिखाएंगे लेकिन ये लक्ष्य रखो हर कर्म बाप समान हो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है निराकारी बनना था तो सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना निराकारी बनना था तो सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है मुश्किल नहीं है ब्रह्मा बाबा सहज काम दे रहा है तो सभी लक्ष्य रखो मधुवन में जहाँ देखें जिसको देखें ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दें तो बाबा कहते हैं मधुवन में मधुवन निवासियों से बाबा कहते हैं जिसको देखें जहाँ देखें ब्रह्मा बाबा की तरह कर्म दिखाई दें कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो बाबा कहते हैं कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो जहाँ देखें ब्रह्मा समान हो सकता है बाबा बच्चों से पूछते हैं ऐसा हो सकता है मधुवन की महिमा यथार्थ मधुवन निवासियों की महिमा मधुवन की दीवारों की महिमा नहीं है मधुवन निवासियों की महिमा है मधुवन की महिमा चारों ओर रोज़ सुनते हो मधुवन निवासियों की महिमा जो होती है वह किसकी है आप सबकी है ना तो बाबा कहते हैं आप सबकी है जो मधुवन के निवासी हैं नशा तो रहता है कि हम मधुवन के निवासी हैं जैसे ये नशा है वैसे ये नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं बाबा कहते हैं जैसे ये नशा है कि हम मधुबन के निवासी हैं ऐसे ही ये नशा रहे कि हम ब्रह्मा बाप के समान बाबा को फॉलो करने वाले हैं अच्छा सभी संतुष्ट हो कुछ सेल्वेशन चाहिए बाबा पूछते हैं सेल्वेशन की भूमि में बैठे हो? कितने बेफिक्र बैठे हो शरीर की मेहनत करो और सब बना बनाया मिलता है जो शरीर की मेहनत नहीं करते उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं आप सब तो लकी हो जो एक्सरसाइज ना करनी पड़े हाथ पाँव चलते रहते हैं मधुबन में कितनी सेवा करते रहते हैं भाई बहन हमारे तो बाबा कहते हैं आप सब कितने लकी हो जो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हाथ पैर चलते ही रहते हैं जितना जो कठिन परिश्रम करता है उतना वह सेफ है माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी जितना जो कठिन परिश्रम करता है वह सेफ है माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी बुद्धि तो बिजी रहती है और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा तो जो सदा बिजी रहते हैं जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी हैं बाबा कहते हैं जो सदा बिजी रखते हैं अपनी बुद्धि को बाबा की सर्विस में बाबा के ज्ञान में वो बहुत लकी हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं इसीलिए अपने को फ्री नहीं करना चलो बहुत समय कर लिया अब फ्री हो जाए विजी रहना खुश नसीब की निशानी है खुश नसीब हो ना बाबा बच्चों से पूछते हैं खुश नसीब आत्माएं हो ना आप अपने को सदा बिजी रखना अच्छा अभी बाप दादा को करके दिखाना समझा ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी पहला गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी आप किसी की सूरत में बाबा के समान देखना तो बाबा कहते हैं सूरत में चेहरे में क्या देखा ब्रह्मा बाबा के समान गंभीरता भी और मुस्कुराहट भी गंभीरता भी हो और मुस्कुराहट भी गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त मनन चिंतन करने वाला चेहरा फिर रमड़ी कतात मुस्कुराता हुआ चेहरा तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो ब्रह्मा बाबा का चित्र देखो ब्रह्मा बाबा की तस्वीर देखो तो कितना सुंदर लगता है मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप सब बच्चों का बाबा चेहरा देखना चाहते हैं सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुवन है ना तो इस भूमि में रहने वाले द्वारा रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होना चाहिए जैसे ब्रह्मा बाबा की थी इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ ब्रह्मा बाप की आप बच्चों के प्रति आश है अब ऐसी दिवाली मनाओ बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ जब हर एक का ये दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी ऐसे ही आशा का दीपक जगाओ बाबा कहते हैं बाबा की आशा का ऐसे दीपक जगाओ दीपमाला में देखो अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हैं तो अच्छा लगेगा अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो भी नहीं अच्छा लगता है इसीलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए सेल्फ जस्टिस मधुबन निवासी सब न्याय करने वाले होने चाहिए किस कैसा न्याय सेल्फ जस्टिस करने वाले होने चाहिए कोई भी बात करने से पहले जज करो जज करने वाले होना चाहिए तो ना समय स्वयं का समय जाएगा ना दूसरे को जाएगा कोई भी काम करने से पहले जज करो ये सही है कि गलत है सत्य है या असत्य है मधुबन तो पीस पैलेस है मधुबन तो शांति की भूमि है मन की भी शांति मुख की भी शांति तब मधुवन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेंगी आप शांति के पैलेस में शांति के महल में रहने वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं सभी किस चीज़ की भिक्षा मांगते हैं शांति की क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं जो विनाशकारी हैं बाबा कहते हैं उनके पास अभी तक आपकी शांति की किरणें पहुंचती नहीं इसी लिए कश्म कश, कश, में हैं कभी शांत तो कभी अशांत तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए तब उनकी बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा ख़त्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे उनकी बुद्धि में भी एक ही बाबा कहते हैं फ़ाइनल फैसला होगा साइंस वालों की बुद्धि में फ़ाइनल फैसला क्या होगा खत्म करेंगे और शांत होकर शांति धाम में चले जाएंगे तो ऐसे शांति के भिकारियों को अब महादानी बन महादानबा वरदान देने वाले बनो बाप दादा तो सदा समझते हैं मधुवन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रतन हैं तो अब ऐसा सबूत दिखाओ जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियां तैयार हो जाएंगी जब ब्रह्मा बाबा की तरह सारे बच्चे बन जाएंगे सब कॉपियां तैयार हो जाएंगी माना सब बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाबा के समान हो जाएंगे तब बेहद का बारूद चलेगा पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी बहुत सुंदर बात बाबा यहाँ पे समझाते हैं जब हम सब बच्चे ब्रह्मा बाबा की तरह बन जाएंगे जैसे बाबा फ़रिश्ता बन गया था व्यक्त में रहते हुए भी बाबा फरिश्ते के समान थे रिश्ता सबसे था लेकिन इस पुरानी दुनिया से निर्मोही होकर रहते थे तो बाबा की तो बहुत महिमा है ब्रह्मा बाबा की तो ब्रह्मा बाबा के समान जब हम सब बच्चे बन जाएंगे तब बेहद का बार चलेगा तब पटाखे छूटेंगे और ताज पोशियाँ होंगी किसकी हम सब बच्चों की तो अब ये डेट फिक्स करो जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे तब ये डेट आएगी अब बाबा कहते हैं इस तारीख को फिक्स करो ये डेट कब आएगी जब आप सब बच्चे हम सब बच्चे ब्रह्मा बाबा के समान बिल्कुल बा, ब्रह्मा बाबा की फोटोकॉपी बन जाएंगे तब ही ये डेट आएगी मधुबन निवासी जो चाहें वह कर सकते हैं अच्छा तो अभी सब क्या सोच रहे हो बाबा बच्चों से पूछते हैं आप सब क्या सोच रहे हो मन में क्या संकल्प चल रहे हैं सब बच्चों के सबके क्या संकल्प चल रहे होंगे इतनी सुंदर बाबा ने बात बताई तो बाबा बच्चों के मन में संकल्प चल रहे होंगे उस ताजपोशी के बाप दादा के पास मन के संकल्पों की ही कैमरा नहीं लेकिन हर एक के मन में क्या चलता रहता है वह भी बाबा स्पष्ट देख सकते हैं साइंस वाले तो अभी तक कोशिश कर रहे हैं ऐसे कैमरा निकालें जो अंदर की संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाए वही बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं साइंस वाले तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि ऐसा कोई चीज़ निकालें ऐसी कोई टेक्निक निकालें कि जिससे अंदर क्या मनुष्य के चल रहा है वो पता चल जाए ये सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लगाएंगे ये सब क्या करेंगे आविष्कार करते हुए रह जाएंगे नए नए रोज़ आविष्कार करते रहेंगे और आप सब बच्चे ताजपोशी के लिए तैयार रहना है अच्छा ये थी बाबा की बहुत सुंदर मुरली हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते आज की मुरली से वरदान है परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्माभाव कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं इसीलिए बाप दादा की शिक्षा है ना व्यर्थ सुनो ना व्यर्थ बोलो ना व्यर्थ करो ना व्यर्थ देखो ना ही व्यर्थ सोचो ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित ना करे परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा स्लोगन है आज की मुरली से सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो बाबा कहते हैं सदा हल्केपन का अनुभव करना